हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सौरभ सामाजिक ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें हर तरह के वीडियो उपलब्ध हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर समस्याएँ दूर हो सकती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सेमेस्टर 4 यानी ITI के फाइनल एग्ज़ाम में सारा 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, ठीक है। तो करना है क्या, ITI मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस वर्ष से जितने भी वैकेंसी निकले ITI वाला ही भर सकते हैं। तो इस बार जो NTPC के लिए है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिंदी में बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये सब जितना भी क्वेश्चन है हमें इंग्लिश में भी चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीरियली से, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। खासकर फाइनल एग्ज़ाम जो ITI देंगे उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला नंबर से क्वेश्चन है, इसमें क्या होंगे, OMR द्वारा एग्ज़ाम हुआ था। OMR मतलब होते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, मतलब OMR मतलब ये जो होते हैं कंप्यूटर द्वारा जांचा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दें, पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर भूल गए हैं और क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, स्वचालित विद्युत आयरन में अधिक ताप पर उत्पन्न होने के कारण कौन सी त्रुटि आ सकती है। तो आंसर होगा, हम ट्रिक पहले से लगा चुके हैं, कपड़ों पर चिपकती है। दूसरा क्वेश्चन है, गैस डिस्चार्ज लैंप को टूटी हुई स्थिति के साथ क्यों नहीं संचालित करना चाहिए। आंसर होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रदर्शन की ओर बढ़ता है। आंसर में दे दिया और बढ़ता है, होना चाहिए प्रदर्शन की ओर बढ़ता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मशीनों से विपत्ति विकसित करने के लिए करने से पहले नियमित अंतरालों पर नियंत्रण और मशीनों पर कौन सा रख रखाव करना चाहिए। नियमित रख रखाव करना चाहिए। 4th क्वेश्चन है, मशीन में त्रुटि और सही होने के बाद मशीन का कौन सा रख रखाव करना चाहिए। आंसर होगा, ब्रेकडाउन रख रखाव। ये सारा आंसर क्वेश्चन भैया आप बढ़िया से याद कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वर्ष जो NTPC का एग्ज़ाम होंगे इससे भी बहुत सारा एग्ज़ाम यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इतना आप यानी कि GK बहुत सारा पढ़ते होंगे, क्या आप 50 गो आप नहीं पढ़ सकते हैं, 50 गो जरूर इतना सा याद कर लें, ठीक है। रख रखाव की क्या आवश्यकता है, तो आंसर होगी, मशीन का जीवन और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर है, पारंपरिक प्रवेश सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा, कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि UPS की आउटपुट वोल्टेज समान या ऊंच होती है तो इस त्रुटि के लिए क्या कारण होगी। तो आंसर है, इनपुट वोल्टेज अति ऊंच है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। सूर्य है, ये आप 10th में भी पढ़े होंगे और आपको भी पहले से पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टीम पावर प्लांट में कौन सा संगठन को फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है। आंसर है, बॉयलर। ये सब जितना आंसर जो इस बार हुआ था OMR शीट पर हुआ था, लेकिन इस बार से जहाँ तक संभव है कि ITI का एग्ज़ाम जो होगी यानी कि कंप्यूटर बेसिक टेस्ट पर दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ध्यान से सुने, 11 नंबर का क्वेश्चन है, डीजल पावर प्लांट में संचालन प्रणाली का क्या कार्य है। संपीड़ित वायु को भेजने के द्वारा ठंड से इंजन को शुरू करना। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट के योजनाबद्ध प्रबंध में एक्स चिन्हित संगठन के नाम बताएं। तो इसमें एक चित्र दिया गया है, आंसर होगा, वॉल्व हाउस। इसका चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक है, देख लिए। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वातानुकूलित पानी प्रतिकारी के क्या लाभ हैं। उच्च उसमें कार्य क्षमता यानी B नंबर का आंसर होगा। 14 नंबर का आंसर होगा, संचालन में किस पावर जनरेशन प्लांट में अधिक विश्वसनीयता है। हाइड्रो पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, अनौपचारिक पावर जनरेशन में
औपचारिक पावर जनरेशन की क्या हानियां हैं? आंसर होगा प्रदूषण बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस मिश्रण का मुख्य संघटन क्या है? मिथेन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विंड पावर जनरेशन की मुख्य हानि क्या है? वायु शक्ति स्थिर और अस्थाई नहीं होता, यही आंसर होगा डी नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन है, टाइडल पावर जनरेशन में टरबाइन के कार्यों का क्या उद्देश्य है? आंसर होगा ए नंबर, बांध के अन्य भागों में जल प्रवाह को बाधित करता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अनौपचारिक ऊर्जा स्रोत के क्या लाभ हैं? आंसर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव से दूर रहता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर? लाइन इंसुलेटर के नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, यानी कि डी नंबर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। एसी पावर संचारण का लाभ क्या है? आंसर हो जाएगा वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ये आपको पता होगा। आंसर हो गया है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, ACSR का पूरा नाम क्या है? एल्यूमिनियम, डी नंबर हो जाएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। 23 नंबर का क्वेश्चन है, OH लाइंस में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा OH पोल को अधिक समर्थन प्रदान करता है। यूजी केबल के एक्स चिन्हित भाग का क्या उद्देश्य है? इसका बोल रहा है चित्र के अंग्रेजी, यानी इंग्लिश वाला क्वेश्चन में जा रहे हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर का, आर्मरिंग को वायुमंडलीय बदलावों से सुरक्षित रहता है। देखिए वही बात है इंग्लिश में, व्हाट इज द परपोज ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ यूजी केबल? आंसर हो जाएगी सी नंबर, प्रोटेक्ट द एमोरिंग फ्रॉम द एमोस्फेयर चेंज। 25 नंबर का क्वेश्चन है, यूजी केबल में ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट को स्थित करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? मुर्रे लूप टेस्ट। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भूमिगत केबल से ओवरहेड लाइन की तुलना के लाभ क्या है? आंसर हो जाएगी त्रुटि को आसानी से ढूंढा जा सकता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ लाइटिंग एरेस्टर, यानी ए नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, रोड गैप एरेस्टर ए नंबर, यानी कि इसका हिंदी होगा लाइटिंग एरेस्टर का प्रकार क्या है? आंसर हो जाएगा रोड गैप एरेस्टर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एसी ड्राइव की डीसी ड्राइव से तुलना के क्या लाभ हैं? आंसर हो जाएगा सी नंबर का, नियंत्रण की विस्तृत गति श्रेणी और तेज प्रतिक्रिया। 29 नंबर के क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आउल टेस्ट इन द इलस्ट्रेटेड? आंसर हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन टेस्ट। 29 नंबर का हिंदी होगा, किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर तेल की जांच सचित्र दी गई है, यानी चित्र में दी गई है? आंसर हो जाएगी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। हाँ तो चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, ड्राइव्स में प्रथम चतुर्थांश में संचालित एकल चतुर्थांश लोड्स की एप्लीकेशन कौन सी है? हो जाएगी हॉइस्ट। डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है? आंसर हो जाएगा मोटर की फील्ड वाइंडिंग और परिवर्तनीय वोल्टेज प्रदान करता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव की हानि क्या है? आंसर हो जाएगा डी नंबर का, डीसी ड्राइव का प्रतिस्थापन अधिक जटिल होता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के ब्लॉक चित्र में एक्स चिन्हित संगठन के नाम बताइए, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्पाउंड मार्क्स एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव? आंसर हो जाएगा सी नंबर का, इन्वर्टर। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा रीडिंग में डिस्प्ले त्रुटि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन की दिशा में बदलाव के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में की, यानी की मतलब चाबी बटन का कौन सा क्रमिक संचालन सही है? तो देखिए इसमें होगा प्रेस ओ एन और जो दिया है लेस देन दिया हुआ है, और ई वी लेस देन ओ एन। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के बीओपी में प्रोग ओब्लिक डाटा बटन का क्या उद्देश्य है? डी नंबर का क्वेश्चन होगा, करंट और आवृत्ति के डाटा स्थित को दिखाने के लिए। 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एकर्सरिंग यूज्ड इज द कंट्रोल पैनल वायरिंग? आंसर हो जाएगा टर्मिनल कनेक्टर, यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा
कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग की जाने वाले उप सहायक का नाम बताइए, टर्मिनल कनेक्टर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एक वस्तु के मशीन भाग की गति के द्वारा एक एक्चुएटर के साथ संचालन करता है। आंसर हो जाएगा पुश बटन स्विच। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले DIN रेल का क्या उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा दो बार जांचे गए टर्मिनल कनेक्टर को लगाएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा टाइमर। 41 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा DC लोड कॉन्टेक्टर में DC4 मानक ड्यूटी साइकिल द्वारा दर्शाया जाता है। आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर के शुरू और बंद होना। 42 नंबर का क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्टर को वोल्टेज आपूर्ति को नियंत्रित करना। 43 नंबर का क्वेश्चन है, यदि फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्तर डेल्टा स्टार्टर में रिवर्स बटन को दबाने के बाद मोटर अपनी दिशा नहीं बदल रही है। आंसर हो जाएगा रिवर्स कंट्रेक्टर में इंटरलॉक के कारण। 44 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, उस स्वचालित विद्युत आयरन में प्रेशर प्लेट का उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट से ताप का स्थानांतरण। 45 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्स एक्स ऑफ द ग्रेसर। आंसर हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट, यानी कि इसका हिंदी होगा गीजर के एक्स के चिन्हित भाग के नाम बताएं। तो चित्र में हम दर्शाए थे इंग्लिश वाला में हीटिंग एलिमेंट। एलिमेंट मतलब क्या होता है, तत्व होता है। हीटिंग एलिमेंट में उत्पन्न ताप की मात्रा पर कौन सा कारक निर्भर होता है। आंसर हो जाएगा करंट। 47 नंबर का क्वेश्चन है, एक माइक्रोवेव ओवन में थर्मो कट आउट का क्या कार्य है। आंसर हो जाएगा अधिक गर्म होने की स्थिति पर मैग्नेट्रॉन की क्षति से बचाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कुकिंग वर्ग में यदि ओवन की तार बंद नहीं किया गया तो इसका संभव कारण क्या है। आंसर हो जाएगा सी नंबर का, एलिमेंट में खुला सर्किट, यानी सी नंबर ही आंसर सही होगा, एलिमेंट में खुला सर्किट। 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स ऑफ द वेट ग्राइंडर। इसका आंसर हो जाएगा मिल ग्राइंडिंग स्टोन। इसका हिंदी है एक वेट ग्राइंडर के एक्स चिन्हित भाग के नाम बताएं, तो हो जाएगा मिल ग्राइंडिंग स्टोन। 50 नंबर का क्वेश्चन है, फूड मिक्सचर के कम गति पर चलने का क्या कारण है। सूखा वायरिंग। तो आज 50 नंबर का क्वेश्चन अभी तुरंत समाप्त हो गए हैं, और किसी भी तरह के वीडियो आपको चाहिए ITI से लेकर किसी भी तरह का SSC रेलवे उलवे का, तो उसमें आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और एक बात, ये बात ध्यान से सुनिएगा, 50 क्वेश्चन है उनमें से शायद कुछ क्वेश्चन का वो गलत भी हो सकते हैं, तो मैं भी एक इंसान हूँ, गलत हो सकता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगे तो हमें कमेंट करके भैया बता दीजिएगा। अगर सही भी है पूरा क्वेश्चन, अगर आपको जानकारी है या नहीं है कि ये सारा क्वेश्चन आपका सही है, तो हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो जहाँ तक संभव है हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश किए कि क्वेश्चन एक भी गलत नहीं है, ना ही आंसर गलत है। ठीक है, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और इस पर 50 क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही सही याद कर लीजिए। इससे आपको रेलवे ITI करने का मतलब हो गया कि आप रेलवे का एक स्कोप खुल गया है। ठीक है, तो इस वर्ष से जितनी भी वैकेंसी निकलेगी रेलवे अप्रेंटिस, यानी जितना भी रेलवे का एग्जाम होगा, तो ITI वाले के लिए एक सोने की चिड़िया की तरह बात हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ITI वाला ही रेलवे का एग्जाम भर सकता है, फॉर्म दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ ITI के फाइनल का ही नहीं है, इस वर्ष होने वाले यानी NTPC बड़ा बड़ा एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये एक ITI के माध्यम से आपको हम फिजिक्स का भी आंसर क्वेश्चन याद कराने की क्षमता रखता हूँ। शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तो आप बिल्कुल